सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नवीन चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल नवीन हिंदी। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कुलपेन नोट 5 के ऊपर, जहां पर मैंने आपको उसके नोगट के बग्स बताए थे। तो मैंने यहां पर कुछ बग्स सॉल्व करने की कोशिश की है और उसमें मैं थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ हूं, लेकिन कुछ बग्स ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो पाए। लेकिन कुछ बग्स जो हैं मैंने सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉयड वर्ज़न दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज सुबह ही नोगट इंस्टॉल किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एंड्रॉयड वर्ज़न अभी नोगट पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर से अब मैं आपको जो है मैंने बग्स फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन को रूट किया। रूट करने के बाद मैंने कॉर्नल एडिटर को जो है यहाँ पर ऑडिटर को इंस्टॉल किया। ये रूट यूज़र्स के लिए स्पेशल एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर मैंने जो है कुछ चेंजेस किए। यहाँ पर मैंने सीपीयू की फ्रिक्वेंसी को चेंज किया, सीपीयू गवर्नर को पावर से ऊपर किया और लिटिल सीपीयू गवर्नर को भी पावर से ऊपर किया। तो यहाँ से मेरी जो है बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा हो गया, यानी जो जल्दी से ड्रेन हो रही थी वो अब यहाँ पर ड्रेन नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरा मैं आपको यहाँ पर इशू बता देता हूँ कि दूसरा इशू था फ़ोन के हीटअप के ऊपर लेकर, जो कि बहुत ख़तरनाक था। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन को रूट किया और कॉर्नर एडिटर से इसको सेटअप किया, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने बहुत सारे उसमें सेटिंग्स अप्लाई की, तो वहाँ पर से मेरा फ़ोन अब काफ़ी कम हीटअप हो रहा है, यानी इतना हीटअप नहीं हो रहा है, इट्स अ नॉर्मल हीटअप। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप नोगट भी यूज़ कर पाएंगे और आपका फ़ोन जो है ज़्यादा हीटअप भी ना होगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। एक और बग ये फिक्स हुआ है रूट करने से। और फ्रेंड्स, मुझे जो अब यहाँ पर जो बग्स मुझे देखने को मिल रहे हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाए हैं, पहला है जब भी आप फ़ोन को ऑन करते हैं तो वही जब भी आप पहली बार अपना फिंगरप्रिंट इस यहाँ पर यूज़ करते हैं तो पहली बार आपका फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा तब जाके वो वर्क करेगा। तो ये यहाँ पर मुझे बग्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा बग्स है कैमरे के क्वालिटी में भी थोड़ा जो यहाँ पर डिफरेंट आया है। और यहाँ पर आपकी जो इंटरनल मेमोरी है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी थोड़ी सिस्टम की मेमोरी यहाँ पर 11.45 GB बढ़ चुकी है, जो कि मार्शमेलो में आई थिंक 9.86 GB पर होती थी। तो यहाँ पर आपको जो इंटरनल स्टोरेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटरनल स्टोरेज थोड़ी कम हो गई है, 2 GB कम हो गई है लगभग। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक और बग मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपका फ़ोन के जो मैंने चार्जिंग के ऊपर कल एक वीडियो बनाया था, वो भी इसमें तो आपको थोड़ा इश्यू देखने को मिलेगा। तो आपको जब भी फ़ोन चार्ज लगाना पड़ेगा तभी आपको उसको एक बार रिबूट करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेकार बग इसमें मिला है, लेकिन ये आगे जाके सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप मैंने अपना जो है फ़ोन तो बहुत ही लो पावर पे जो यहाँ पर चार्ज लगाया था, हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा बैटरी पे चार्ज लगाऊँ तो यहाँ पर ये बग जो है सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, कुलपेन नोट 5 के नोगट में आप जो है जी कैम यानी गूगल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका कैमरा जो स्टॉक रोम फ्लैश करने की वजह से जो कैमरा का आपको इश्यू आया था कि कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर बेकार हो गई है, वो यहाँ पर जी कैम में थोड़ी हद तक सुधरती हुई मुझे दिख रही है। इसका भी मैं कंपेरिज़न एक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, तो आप जो इस वीडियो को भी देख पाएंगे और आप जो चूज़ कर पाएंगे कि आपको स्टॉक कैमरा चाहिए या जी कैम चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ऑफकोर्स एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।